हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा। मैं आज आपके साथ एक वीडियो शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स। ये अभी विंटर सर आ गए हैं फ्रेंड्स, और इतना अमेजिंग मैंने ये जेल बनाया है फ्रेंड्स, बहुत ही अमेजिंग है। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, इस तरह का ये जेल है, ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसे ही रहेगी फ्रेंड्स। और ये हर एज ग्रुप के लिए है फ्रेंड्स। अगर आप चाहते हैं इसको आप लगाना, तो आप 16 ईयर्स से आप किसी भी एज के हों, आप 50 प्लस तक के भी हो ना, तो भी आप इसको आराम से लगा सकते हो। इसके आप किसी भी, मतलब 16 ईयर से आप जब तक आप लगाना चाहें तब तक के एज वाले इस जेल को लगा सकते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि विंटर्स में आप ये फेस पे ही नहीं, आप अपने हैंड्स पर, अपने लेग पर, मतलब जहाँ जहाँ आपकी, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है ना फ्रेंड्स, तो बहुत ही अच्छा अमेजिंग ये रिजल्ट देता है फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छा वर्क करता है। अगर आप इसको डेली बेसिस पे लगाना चाहें ना फ्रेंड्स, तो आप डेली भी लगा सकते हो। तो बहुत ज़्यादा बातें नहीं कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा तारीफ़ हो गई है क्योंकि मैं इसको बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ फ्रेंड्स। और अभी सीज़न चल रहा है, मतलब मैरिज का सीज़न चल रहा है, शादियाँ हो रही हैं बहुत। तो आप लोग को अगर आप कहीं जाने वाले हैं, किसी शादी पार्टी वगैरह में कहीं जाना है, तो आप डेफिनेटली इस तरह के DIYs होममेड इस तरह की चीज़ें यूज़ करिए फ्रेंड्स। तो बहुत ही अच्छा काम भी करती हैं और आपकी स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करती हैं फ्रेंड्स। और अगर आपकी स्किन पर रिंकल आ रहे हैं ना, तो क्योंकि 30 प्लस हैं आपकी, तो रिंकल्स आने होते ही हैं, मतलब आ ही जाते हैं हल्के फुल्के से। क्योंकि विंटर्स में अगर आप लोग ड्राई स्किन है आपकी, तो फिर आपकी रिंकल्स आएंगे ही फ्रेंड्स। तो फटाफट से देख लीजिए, इसमें बहुत ही, बस आपके घर में ही सारी चीज़ें मिलेंगी। और जो मैंने इसमें लाइंग लाइंग वाला जो ऑयल डाला है, एसेंशियल ऑयल, अगर वो आपके पास नहीं है, तो विटामिन ई का कैप्सूल आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, एलमंड ऑयल डाल सकते हो, या फिर आप ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं फ्रेंड्स। तो फटाफट से देख लीजिए इसको मैंने किस तरह से बनाया है। और हाँ फ्रेंड्स, अभी मैं जाइएगा नहीं, पूरा वीडियो देखिए और किस तरह से मैंने इसको बनाया है, किस तरह से यूज़ किया है, ये सब देख लीजिए। और हाँ, मैं आपको उसमें नहीं बताया, शायद बताऊँगी या फिर मैं बता देती हूँ कि आप इसको बॉडी जहाँ पर भी आपका ब्लैक है वहाँ पर लगाइए आपकी स्किन पर। ये देखिए, मैंने हैंड्स पर ये लिप्स क्रेसेस देख रही थी, तो मैंने वो लगाए हुए हैं बस। लेकिन मैं हैंड्स पर जो भी अपने फेस पर अप्लाई करती हूँ ना, हैंड पर ज़रूर अप्लाई करती हूँ, या लेग्स पर अप्लाई ज़रूर करती हूँ। तो और मेरा ये मेकअप लुक भी बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए फटाफट से देख लीजिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर हिट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और जैसे ही आप हिट करोगे, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा न्यू वीडियो का, तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो फटाफट से देख लीजिए मैंने इसको किस तरह से बनाया है। तो फ्रेंड्स, ये जेल बनाने के लिए मुझे सबसे पहले चाहिए ये डाबर का हनी ले रही हूँ मैं, 1 स्पून। ये देखिए, मैंने 1 स्पून ले लिया है। और विंटर्स में हनी बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ड्राई है ना, तो आपको ये हनी इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए विंटर्स में। विंटर्स क्या, मतलब हर सीज़न में इस्तेमाल करना चाहिए। और फिर उसके बाद मैं ले रही हूँ एलोवेरा जेल, और मैं ले रही हूँ पतंजलि का एलोवेरा जेल। अगर आप फ्रेश लेना चाहें, तो आप ले सकते हो डियर। हाफ स्पून के करीब मैंने एलोवेरा जेल लिया है फ्रेंड्स। और मैं ले रही हूँ एप्स गुडनेस का लांग लांग का एसेंशियल ऑयल। और अब विंटर्स आ गए हैं, तो मैं एसेंशियल ऑयल्स यूज़ कर रही हूँ। वैसे तो मैं उसमें भी यूज़ करती थी जब समर्स थे, बट अभी मैं फेस के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। तो 2 से 3 ड्रॉप या फिर 4 ड्रॉप आप ले लीजिए। उसके बाद आप ले लीजिए रोज वाटर, ये मैंने डाबर का लिया हुआ है। अगर आपको आपके पास डाबर का नहीं, जो भी हो आप वो यूज़ कर सकते हो, जो भी पड़ा हो आपके पास, तो आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बहुत ही अच्छे से मिक्सअप करना है इसे, फिर आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने फेस पर। अच्छे से जेल टाइप हो जाइए, जेल टाइप के इस तरह का ही रहेगा, क्योंकि मैंने इसमें रोज़ वाटर ऐड किया है।
तो चलिए देखते हैं, इसको अच्छे से मिला लेती हूँ, मिलती हूँ मैं आपसे, फिर देखते हैं कि इसको लगाना कैसे है, यूज़ कैसे करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा फेस एकदम क्लीन है और अब मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। आपको इस तरह से यूज़ करना है, बस लगाइए और अच्छे से मसाज करते रहिए 10 मिनट्स के बाद। उसके बाद आप इसको वॉश कर सकते हो, आप ये नाइट में भी कर सकते हो फ्रेंड। और मैंने जो ये लंग लंग का जो एसेंशियल ऑयल मिलाया है ना फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा है। तो इससे ना मुझे थोड़ा सा आँखों में लग रहा है, चुभ रहा है स्मेल इसकी, लेकिन ठीक है, बहुत जल्दी ये उड़ जाती है इसकी स्मेल जो है। तो आप ऐसे ही 10 मिनट्स के लिए मसाज कर लीजिए। अपने नेक एरिया को भी मत छोड़िएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आप अच्छे से जितना अच्छे से मसाज करेंगे ना उतना बेहतर है। और विंटर्स में आप जितना भी जितना अच्छे से हाइड्रेट रहेंगे, अपनी स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करेंगे, उतनी ही स्किन आपकी ग्लो करेगी और आपकी स्किन बहुत ही अच्छे से रहेगी और अच्छे से दिखाई देगी। क्योंकि विंटर्स में ना स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई ड्राई हो जाती है, तो आपकी ड्राई स्किन नहीं रहेगी अगर आप अच्छे से इसकी केयर करते हो। तो मिलती हूँ मैं आपसे 10 मिनट्स बाद। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने 10 मिनट्स के लिए इसको अपने फेस को अच्छे से मसाज कर लिया है और अब मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी 10 टू 15 मिनट्स के लिए। 15 मिनट्स या 20 मिनट्स के लिए आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, उसके बाद आप इसको वॉश कर लीजिए थोड़े से ल्यूकॉम वाटर के साथ। और फिर आप को जो भी मॉइस्चर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लगा सकते हो फ्रेंड्स। और आप नाइट में इसको लगाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा अच्छे से ये वर्क करेगा फ्रेंड्स। और ये देखिए मुझे अभी हुआ है, छोटी सी फुंसी हो गई थी, मैंने दिखाई थी नेक्स्ट वो जो वीडियो बनाया था मैंने पहले इससे, उसमें भी दिखाया था मैंने आपको, तो अभी ये ठीक हो रहा है। तो मिलती हूँ मैं आपको ये 15 से मैं जब वॉश कर लूँगी उसके बाद दिखाऊँगी और इसका रिजल्ट भी, क्योंकि बहुत अच्छा ग्लो आ जाता है। आप इसको डेली भी लगा सकते हो, क्योंकि DIY है तो आप इसको डेली वेयर पर अप्लाई कर सकते हो, डेली में ही यूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स। तो बहुत ही अमेजिंग वर्क करेगा, आपकी स्किन ग्लो करेगी और आपकी स्किन में अगर हल्के फुल्के जो दाग धब्बे हैं वो भी रिमूव हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। आपकी जो स्किन है वो हाइड्रेट रहेगी और आपकी स्किन ना बहुत ज़्यादा प्लम्प हो जाएगी और बहुत ही अच्छे से ग्लो दिखेगा आपकी स्किन में, बहुत ज़्यादा शाइनिंग नज़र आएगी। ये देखिए जहाँ ये दिख रहा है ना शाइनिंग शाइनिंग, तो वैसे ही दिखाई देगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे वॉश करने के बाद। आप इसको नाइट में आप चाहें तो, अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो स्किप भी कर सकते हो। वैसे विंटर्स हैं तो आपको लगा कर ही रखना चाहिए, कोई भी मॉइस्चर है आप मॉइस्ट करके रखिए अपने फेस को, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो मैं अपनी वॉश कर लूँगी, उसके बाद मैं कोई भी मॉइस्चर लगा लूँगी। और अभी तो मैं आपको दिखा रही हूँ डे में ही, लेकिन अगर आप ये नाइट में करेंगे, अगर कहीं आप जा रहे हो किसी पार्टी में जाना है तो आप इसको लगाइए डेली बेसिस पे, लगाते रहिए तो आपकी स्किन बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो मिलती हूँ मैं आपसे जब मैं वॉश कर लूँगी, उसके बाद मिलूँगी आपसे और फिर दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है और अभी आप देख सकते हो मेरा फेस कितना क्लीन दिख रहा है, एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। और मेरी जो नेक है वो भी देखिए आप, कितना एरिया साफ हो गया है और हाइड्रेट लग रहा है। मैंने अभी कुछ भी नहीं अप्लाई किया है, दैट्स इट, मैं सिर्फ अभी वॉश कर आई हूँ और मेरी स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं नज़र आ रही है। अगर आपको दिखाई दे रहा है ठीक से, मतलब दिख रहा है, आई होप आप लोगों को पता चल ही रहा होगा, ये देखिए। तो आप इस पर आप कुछ भी जो भी आप यूज़ करते हैं नाइट में आप लगा सकते हो, सीरम लगा सकते हो, या फिर आप कहेंगे तो DIY सीरम भी मैंने बनाया हुआ है। तो अगर आप कहेंगे, जब आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर ज़रूर कर लूँगी। सीरम वगैरह वो भी मैंने बनाए हुए हैं और कुछ सीरम्स मैंने बना के वीडियोज़ भी डाले हुए हैं, तो आप देख लीजिएगा अगर आप देखना चाहें तो।
तो फ्रेंड्स ये DIY जो चीज़ें होती है ना फ्रेंड्स आप लोगों को हमेशा इस्तेमाल करते रहने चाहिए। आप कोई भी एज ग्रुप के हो, कोई भी एज हो आपकी, 16 एज से लेकर आपको इस्तेमाल कर सकते हो इन सारी चीज़ों को, तो आपको डिफरेंस डेफिनेटली नज़र आएगा फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोग को नज़र आ रहा हो। तो ये देखिए, तो मिलती हूँ मैं आपसे भी थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देख लिया है कि मैंने इसको किस तरह से बनाया है, किस तरह से यूज़ किया है फ्रेंड्स। तो आप डेफिनेटली इसको बनाइए और आप इसको यूज़ करिए, लगाइए, और आप डेली बेसिस पे लगा सकते हो, डेली आप लगा सकते हो, कोई हार्मफुल रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। मैं ऑनेस्टली रिव्यू देती हूँ हर वीडियोज़ में अच्छे से, मतलब जो मैं अपने यूज़ करती हूँ स्किन पर वही आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग भी इसी तरह के DIYs यूज़ करिए फ्रेंड्स। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप, मगर अगर मेरी स्किन पर अगर कोई चीज़ बैड इफेक्ट दे रही है तो आपकी भी स्किन पर दे, इस वजह से मैं अच्छी चीज़ें ही यूज़ करती हूँ और आपको भी अच्छी चीज़ों का सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि आप भी अच्छे से यूज़ कर पाएँ और आपको बेनिफिट्स मिल सके आपकी स्किन के लिए। और मेरी स्किन आप देख ही रहे होंगे कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही है, अच्छी दिख रही है, आपको लग ही रहा होगा, देख सकते हो आप। ये देखिए मेरा फोरहेड भी देखिए आप, अच्छे से शाइन कर रहा है। और फ्रेंड्स अगर आपने इसका रिव्यू नहीं देखा है, मैंने जो पहने हुए हैं ईयरिंग्स, तो आप देख सकते हो और आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो। और मैंने अपने टॉप का इसका रिव्यू कर दिया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ आप चेकआउट कर सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, मैं गिव अवे की बात कर रही हूँ, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि गिव अवे के लिए कोई से भी रूल आपको समझ में नहीं आए हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर आप लोग इस वीडियो के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करिए और मुझे आप बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसे लग रहे हैं। हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों को सारे वीडियो मैंने जो भी मैं रिसेंटली अभी अपलोड करूँगी वीडियो, और जो मेरे पुराने वीडियोज़ हैं आप लोग वो वॉच कीजिए और वो देखते रहिए और मुझे सजेस्ट करिए कि आप लोगों को वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करेंगे तो जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे ना तो आपको सिर्फ स्क्रीनशॉट देनी है फ्रेंड्स, और तो कुछ नहीं करना है। आप लोग सिर्फ जो जिससे आप सब्सक्राइब करवाएं ना उनसे बोलिए कि आप स्क्रीनशॉट भी साथ में उनको दे सकते हैं, मतलब मुझे सेंड कर दीजिए इंस्टा पर, तो इंस्टा पर भी मैं अवेलेबल हूँ, इंस्टा पर आपको मिल जाऊँगी, मतलब वहाँ पर मैं हमेशा एक्टिव रहती हूँ। तो आप इंस्टा पर मिल सकते हो, आप फेसबुक पेज पर मुझे मिल सकते हैं फ्रेंड्स। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है फ्रेंड्स तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि ये किस तरह से क्या करना है। अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ में आती है तो आप फैमिली मेम्बर्स तो है ही, आप लोग मेरे फैमिली व्यूअर्स हो, मतलब फैमिली से ही, बिल्कुल फैमिली के ही समान हो बिल्कुल, क्योंकि मैं हर चीज़ बहुत ही अच्छे से और डेफिनेटली आप लोगों को ध्यान में रखकर ही हर चीज़ का उपयोग करती हूँ, हर चीज़ को बनाती हूँ, क्योंकि मैं लगा रही हूँ। उसके बाद आप लोगों की किसी भी तरह की स्किन हो, आपको ऐसी कोई भी चीज़ मैं प्रोवाइड नहीं करूँगी जो कि आप लोगों की स्किन पे कोई नुकसान हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और लाइक तो करना बनता है ना फ्रेंड्स, इतना एफर्ट डालते हैं हम लोग वीडियोज़ बनाने, तो प्लीज़ लाइक कर दिए करिए तो, और लाइक करिए और शेयर करिए फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को। और जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे तो बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को भी जरूर हिट कर लीजिएगा, और जैसे ही आप हिट करोगे तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा न्यू वीडियो का और आप चेकआउट कर सकते हो फ्रेंड्स। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, बाय बाय, लव यू फ्रेंड्स।